इस सरकार से अभी हम लोगों ने लगातार प्रयास किए, संघर्ष सदन से सड़क तक लड़ने का काम किया। अब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी क्या भी आश्वासन मिला है, हमारे अधिकारी गण का भी आश्वासन मिल रहा है, और हम जब संपर्क में जाते हैं, अभी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ डायरेक्टर साहब के हाथ थे, हम लोग काफी दिन चर्चा हुआ, और उसमें भी जब अधिकारियों से हम मिलते हैं तो अधिकारी भी जो हम लोगों को बताते हैं वो एक अच्छी पहल की जो शुरुआत हुई है शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए, ये वो लोग पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं। आने वाला समय में इस आपके मंच के माध्यम से अपने शिक्षा में साथियों से बताना चाहता हूं कि राजनीतिकरण से दूर होकर के आप लोग हटिए, आने वाले समय शिक्षा मित्र के लिए अच्छा होने वाला है, और उसका हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं। उमेश पांडे जी, अभी आपने एक चर्चा की कि अनुदेशक और हम साथ साथ ऑफिस में रहे, साथ साथ जो बातचीतें हो रही थी, तो एक अच्छी खबर है। तो ये एक पहल मानी जाए कि विक्रम सिंह और आप जब सब मिलके बातचीत कर रहे हैं तो पूरे ऑफिस तक ये चर्चा है कि अनुदेशक भी परेशान है। जी बिल्कुल परेशान है, और ये चूंकि विक्रम सिंह जी बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, हम चूंकि हमारा उनका परिचय तो अभी चंद दिन पहले हुआ, बाकी इससे पहले मैं आपके कार्यक्रम में भी आपसे आपको देखा करता था, और अब ये बात सच है, और कि अब आने वाला समय शिक्षा मित्र हो या निदेशक भाई हमारे हैं, हम लोगों का समय अच्छा होने वाला है, और इसका रिजल्ट हम लोगों का बहुत जल्दी आएगा, बशर्ते हमको राजनीति से दूर रहना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा हम लोगों के हकीकत है कि हमको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी उसी का होता है जिसकी सरकार होती है। तो आपकी ठीक है, लेकिन सरकार का ही तो कर्मचारी होता है, मांगेगा भी तो सरकार से ही, सवाल भी बिल्कुल सरकार बिल्कुल से ही करेगा, जी जी रिक्वेस्ट भी मिश्रा जी सरकार से करेगा, बात भी अधिकारी जी से ही करेगा, तो जी जाए जी कहाँ? बिल्कुल जी मिश्रा जी, बात आपकी 101% जायज है। हमने आपको बताया, मेरे कहने का मतलब ये था कि शिक्षा मित्र हो या निदेशक हो या कोई भी कर्मचारी हो, जिसकी सरकार होती हो, सरकार का वो नाम सरकार का ही होता है, और वो उसको अपनी परेशानी होगी, अपनी बात को कहने के लिए सरकार से ही करेगा, इसीलिए संगठन बने होते हैं। अब वो उसके लिए धरना प्रदर्शन हो, विवाद हो, बैठ करके सामंजस्य बनाया जाए, अधिकारियों से बैठ के बात की जाए, ये सारे काम हम करेंगे सरकार से ही, सरकार के प्रतिनिधियों से ही, मांग भी अपनी सरकार से ही करेंगे। और मांग करने का तो हमको हमारे हमारे कहने का मतलब ये नहीं सरकार से हम मांग ना करें, हम सरकार से मांग करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे, लेकिन हमको राजनीति से मतलब नहीं है, जिसकी सरकार है हम उसके हैं, और हम उससे अपनी मांग करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है माननीय मोदी जी पर, माननीय योगी जी पर, हमारे सभी अधिकारियों पर, हमारी बात को पूरा होगा। विक्रम सिंह पांडे जी कह रहे हैं कि हम और विक्रम सिंह मिलकर अधिकारियों से मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये पक्की मोहर मान ली जाए कि तुम लगातार अधिकारियों से मिलकर अनुदेशक की बात कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। तो निश्चित रूप से ये प्रयास करिए कि आप भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अनुदेशकों की एक और पहल करिए, हो सकता है और कामयाबी मिले, अधिकारियों की बात तक तो आप पहुंचे ही हैं, और आगे जाइए। बिल्कुल सर, सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तो लागू करना है। जी विक्रम सिंह जी, सर उमेश पांडे जी हमारे बड़े भाई हैं सर, और आपका हमेशा सानिध्य प्राप्त होता रहता है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, प्रयास जारी है सर, प्रयास में कोई कमी नहीं है, प्रयास लगातार जारी है कि किस प्रकार से प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से मुलाकात हो, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो, इसको लेकर लगातार पहल जारी है, लेकिन अभी तक दोनों जगह से समय नहीं मिला है, क्योंकि शनि और रविवार बंद रहता है, अब फिर सोमवार से फिर नए सिरे से प्रयास जारी होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी समय मिले और माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सर का भी समय मिले, जिससे कि अनुदेशकों की बात को आगे बढ़ाया जा सके और
और किस प्रकार से अनुदेशकों का कल्याण हो, किस प्रकार से अनुदेशकों का भला हो, इस पे चर्चा हो। और इस समय लगभग सबसे मुलाकात तो हो चुकी, यही दो व्यक्ति बचे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा। बाकी सबसे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हो, डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी हो, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हो, महानिदेशक मैडम से तो 4 से 5 राउंड की वार्ता हो चुकी है, सचिव बेसिक शिक्षा अपर्णा मैडम से भी वार्ता हो चुकी है, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल सर से भी वार्ता हो चुकी है, उनको भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी पत्र हमारे पत्र को लेकर आगे उसको फॉरवर्ड किया था और कहा कि हम भी आपकी प्रयास करेंगे कि हम भी आपके उसमें कुछ मदद कर सके। ऐसा प्रयास सर हर जगह से चल रहा है। अब सफलता चुकी प्रयासी कोई भी संगठन के हाथ में सिर्फ प्रयास है, संघर्ष है, रिजल्ट नहीं है, चाहे कोई भी संगठन हो। दुनिया का कोई भी संगठन प्रयास कर सकता है, संघर्ष कर सकता है, ईमानदारी से धरातल पे प्रयास कर सकता है, ईमानदारी से धरातल पे संघर्ष कर सकता है। और इस समय आप देखते होंगे शिक्षा मित्र का संगठन भी, कस्तूरबा का संगठन भी, अनुदेशक संगठन भी लगातार ईमानदारी से धरातल पे संघर्ष कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हाँ, लेकिन चूंकि दुनिया का दस्तूर है, दुनिया आपकी संघर्ष को नहीं देखती है, दुनिया आपके प्रयास को नहीं देखती है, दुनिया रिजल्ट को देखती है। और दुर्भाग्य है कि अभी तक शिक्षा मित्र को, अनुदेशकों को और कस्तूरबा के साथियों को फिलहाल रिजल्ट मिला नहीं है। तो लोगों को लगता है, संगठन के सदस्यों को लगता है कि अरे ये लोग तो बेकार है, ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं है। जो दिल्ली से लखनऊ किया रहता है उसको दर्द मालूम चलता है। आप पूछिए उमेश पांडे जी से किस प्रकार से उस दिन भर हम लोग केवल चाय पीकर रह गए, लगातार एक पैर पे खड़े रहे, न बैठने का समय मिला। तो आदमी संघर्ष कर रहा है। अब थोड़ा हौसला अनुदेशक साथियों को, शिक्षा मित्र साथियों को हौसला बनाना चाहिए, अपने संगठन के अगुआ को हौसला बनाइए, उसको बल दीजिए, उसको लगे कि यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को का कद्र करने वाला भी कोई है। ऐसा ना करिए, ऐसा स्थिति परिस्थितियां मत पैदा कर दीजिए कि जो आपका अगुआ है यदि वो टूट गया, उसका दिल टूट गया, उसका मन टूट गया, तो फिर जो आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई मझधार में ही रह जाएगी। तो इसलिए हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, और ये जो व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से निकलिए, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे फालतू प्रकार के कमेंट मत करिए। मैं सभी संगठन के पदाधिकारियों के बारे में कह रहा हूँ, सभी अनुदेशक साथियों, सभी शिक्षा मित्र साथियों, सभी कस्तूरबा, मतलब संगठन के जो भी सदस्य हैं, सबके बारे में मेरा एक कहना है सर। जी सर,